स्टूडेंट्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन डेफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे। वैसे तो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मैंने बायोग्राफी थी वो मैंने पिछले वीडियो में पोस्ट की थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हैं उनके बारे में। और ये जो डेफोडिल्स जो पोयम है जिसे आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो विलियम वर्ड्स का ही एक कंपोजिशन है, एक लिरिकल पोयम है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो डेफोडिल्स है ये पहले इसका टाइटल नहीं था, और पहले जो है इसका टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोयम लिखी थी तो इसका जो है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड नाम से टाइटल रखा गया था, जो कि आपको इसमें दिख रहा है। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड नाम का टाइटल रखा गया था जो कि इस पोयम में आपको दिख रहा है। तो उसके बाद जब ये टाइटल पढ़ा गया तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इसमें सैडनेस के बारे में कुछ कहा गया है, जबकि ये जो पोयम है वो डेफोडिल्स को देखकर कवि के अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं, और डेफोडिल्स जो एक प्रकार के फूल होते हैं वो किस प्रकार कवि को अपनी तरफ सम्मोहित और आकर्षित कर रहा है, तो इस प्रकार की जो भावना है वो इस पोयम में है। और इस टाइटल से जो है वो लोनलीनेस का आभास हो रहा था या फीलिंग्स आ रही थी, तो इस कारण से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसका जो टाइटल चेंज करके डेफोडिल्स रख दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब 1802 में अपनी बहन डोरोथी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, निकलते हैं, तो उन्हें एक झील के किनारे बहुत ही ज़्यादा संख्या में डेफोडिल्स के फूल नज़र आते हैं, और जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मोहित करते हैं, उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और उनके दिल को प्रसन्न करते हैं। और तभी उस समय इंस्पायर होके वो पोयम लिखने के बारे में तैयार होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोयम है वो 1804 में लिखी गई थी, 1804 में लिखी गई थी, और इसका जो पब्लिकेशन है वो जो है 1807 में इसे पब्लिश्ड कराई थी, और उसके बाद फिर वापस से इसका एक और बार रिवाइज पब्लिश्ड की गई थी उसे। और उस समय 1807 के बाद फिर इसे रिवाइज पब्लिश करी गई है 1805 में, उस समय से रिवाइज पब्लिश करी गई है, और उसमें एक स्टेंजा विलियम वर्ड्सवर्थ ने और जोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये थ्री स्टेंजा पोयम थी और बाद में जाके वो फोर स्टेंजा पोयम हो गई रिवाइज पब्लिश करने पर। तो हम अब जानकारी लेंगे थोड़ा डेफोडिल्स पोयम के बारे में। तो पहली लाइन देखना, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं लाइनें पढ़ूंगा, आप उसकी अर्थ समझें और साथ में लाइनें पढ़ते चलें। तो इसमें कवि कहता है कि एक दिन आई वांडर्ड एंड मैं भटक रहा था, वांडर होता है भटकना बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, तो आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, लोनली यानी अकेले और एज ए क्लाउड, यहाँ पर वो अपनी तुलना बादल से कर रहा है, वो कह रहा कि मैं एक दिन एक बादल की तरह भटक रहा था, और डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और मैं उस तरीके से भटक रहा था जैसे कि बादल जो है फ्लोट से ना तैरते हैं, फ्लोट्स का अर्थ होता है तैरना, तो बादल जो तैरते हैं ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और कहाँ तैरते हैं, हाई यानी ऊंचाई पर, ओवर वेल्स, वेल्स यानी घाटियाँ, यहाँ पर जो वेल्स है उसका मतलब उन्होंने वैलीज कहा है, वैलीज और जो हिल्स होती घाटियाँ और जो पहाड़ियाँ होती हैं
उसमें जो बादल हैं वो तैरते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से मैं उनके ऊपर से या वहाँ पर भटक रहा था। वेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, आगे जो है पोइट कहता है कि वेन ऑल एट वंस, तभी अचानक आई सा ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। क्राउड यहाँ पर भीड़, भीड़ लेकिन यहाँ पर लोगों की नहीं है, यहाँ पर इस लाइन में परसोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। क्राउड, क्राउड लोगों की भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पर ये परसोनिफिकेशन भी है, लेकिन ये भीड़ यहाँ पर लोगों की नहीं है, डेफोडिल्स फ्लावर्स की है, डेफोडिल के जो फूल हैं उनकी है ये भीड़। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और मैंने कैसे देखी है भीड़, ये ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, कई सारे जो गोल्डन एंड सुनहरे रंग के डेफोडिल्स जो है वो मुझे दिखाई दिए। वैसे डेफोडिल्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा है कि ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, उसे सुनहरे कलर के कई सारे झुंड जो हैं वो किसके दिखे, डेफोडिल्स के फूल के दिखे। आगे जो है देखेंगे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और बिसाइड एन ए बगल में, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, किसके बगल में, बिसाइड द लेक, लेक एन ए झील के बगल में, एंड बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, बीनीथ द ट्रीज। तो जब मैं जा रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि एक झील के बगल में और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये जो डेफोडिल्स हैं वो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, नाच रहे थे, झूम रहे थे, कैसे नाच और झूम रहे थे, इन द ब्रीज, वो जो ठंडी हवाएं चल रही थी, ब्रीज ने होता है ठंडी हवाएं जो चल रही थी, उसमें वो नाच रहे थे और झूम रहे थे डेफोडिल्स के जो फ्लावर हैं वो। आगे जो है वो कवि कह रहा है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट साइन, कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट साइन, और आगे पोर्ट कह रहा है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, दे स्ट्रेच्ड इन द नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो यहाँ पर जो है देखना है, आगे जो है कवि कह रहा है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट साइन, और वो ठीक इसी प्रकार से चमक रहे थे जो गोल्डन डेफोडिल्स हैं, जैसे कि वो लगातार चमक रहे थे, जैसे लगातार जो स्टार्स तारे होते हैं वो साइन में चमकते हैं, जैसे आकाश में लगातार तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से ये जो डेफोडिल्स हैं ये भी चमक रहे थे वहाँ पर। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ये उसी तरीके से ट्विंकल एंड टिमटिमा रहे थे ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार से जो है मिल्की वे में बहुत सारे अनगिनत तारे जो हैं वो चमचमाते रहते हैं रात के समय, उसी प्रकार से ये डेफोडिल्स का जो झुंड था वो भी चमचमा रहा था। आगे जो वो कह रहे हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच्ड का अर्थ होता है तन्ना, लेकिन यहाँ पर तन्ने का अर्थ है यहाँ पर फैले हुए थे, वे जो है वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन्स, नेवर एंडिंग लाइन्स, नेवर एंडिंग यानी कभी ना समाप्त होने वाली लाइन यानी पंक्तियाँ, मतलब उनकी जो फ्लावर्स बेड्स थे, ये जो क्यारियाँ जो टाइप की बनी हुई थी, वो ऐसा लग रही थी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, और इस तरीके से इन डेफोडिल्स फूलों का झीलों के किनारे फैलाव था। अलोंग द मैरिज अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और अलोंग ने होता है के साथ, किसके साथ थे वो, द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन ऑफ ए बे का अर्थ होता है मार्जिन ने किनारे पर, ऑफ ए बे ने खाई के किनारे पर, बे ने खाई होता है यहाँ पर, झील की जो खाई है या झील के बगल में जो खाई है उसके बारे में हो सकता है कवि कह रहा है, तो किनारे किनारे पर जो है लंबाई में काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो नेवर एंडिंग लाइन है, कभी न खत्म होने वाली लाइन के रूप में वो डेफोडिल्स के फूल फैले हुए दिख रहे थे।
आगे वो कहता है 10,000 सा आई एट ग्लांस, 10,000 ने 10,000 मैंने देखे आई एट ए ग्लांस। यहाँ पर हम हाइपरबोल कह सकते हैं कि जो कवि ने अचानक कैसे एक गिन लिया या अंदाजा लगा लिया कि 10,000 उन्होंने जो है वो देखे हैं डेफोडिल्स के जो फ्लावर हैं। तो यहाँ पर वो हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार भी यूज किया गया है। तो कवि कहता कि लगभग मैंने 10,000 जो है एक ही ग्लांस ने, एक दृष्टि में, ग्लांस ने होता है दृष्टि या एक निगाह में, मैंने लगभग 10,000 फ्लावर्स देख लिए डेफोडिल्स के, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। और वो क्या कर रहे थे, टोजिंग देयर हेड्स, अपना सर उठाकर क्या कर रहे थे, स्प्राइटली यानी आनंद से डांस ने नृत्य कर रहे थे। वो अपना सर उठाकर आनंद से नृत्य कर रहे थे। आगे देखना है थर्ड स्टेंजा में, द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आगे का हम जो है, एक मिनट, आगे देखेंगे इसे हम, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। आगे कभी कहता, द वेव्स बिसाइड देम, वेव्स है ना होती है लहरें, वेव्स है ना होती है लहरें, बिसाइड देम उनके बगल में, उनके मतलब डेफोडिल्स के बगल में जो लहरें थीं झीलों की, झील की जो लहरी थी, लहरें थीं, वो डांस्ड, वो भी डांस कर रही थी, नाच रही थी, बट दे, लेकिन वे जो हैं, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो ऐसा आउट आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो जो लहरें हैं वो ग्ली यानी आनंद से नाच रही थी, और टिमटिमाती हुई या चमचमाती हुई जो लहरें हैं वो नाच रही थी, लेकिन ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी, लेकिन जो कवि है वो कुड नॉट बी गे, वो प्रसन्न नहीं हो सका उन लहरों के नृत्य से, क्योंकि वो जो लहरें हैं उनसे ज़्यादा कई आकर्षित नृत्य जो है वो डेफोडिल्स के फ्लावर कर रहे हैं जो उसे आकर्षित कर रहे हैं। इन सच ए जोकंड कंपनी, आई गेज्ड एंड आई गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। इन सच ए जोकंड कंपनी का अर्थ होता है इस प्रकार की आनंददायी जो साथ है डेफोडिल्स का, जो मुझे मिल रहा है इतना आनंददायी साथ, उसके बारे में कवि कह रहा है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने उन्हें गेज्ड ने घूरा, गेज्ड ने होता है घूरना, एंड गेज्ड और उन्हें घूरता ही रहा, देखता ही रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा मैंने विचार भी किया, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि किस प्रकार का जो वेल्थ है ना, धन संपत्ति, यहाँ पर धन संपत्ति का मतलब है किस प्रकार का जो आनंद है वो शो टू मी हैड ब्रॉट, ये जो दृश्य है, शो है ना दृश्य, टू मी हैड ब्रॉट, मेरे लिए ब्रॉट ने लाया है, एक किस प्रकार का जो आनंद है इस दृश्य को देखने से मुझे मिला है, ये कवि सोचता है इसके बारे में। आगे का जो स्टेंजा है उसको हम देखेंगे जरा, ये जो है लास्ट स्टेंजा है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, द फ्लैश अपॉन द डेट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। तो आगे जो है वो कवि कह रहा है, फॉर ऑफ्ट एंड अक्सर वेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच एने सोफे पर, आई लाई ने मैं लेटा रहता हूँ या पड़ा रहता हूँ, तब अक्सर मैं, और किस मूड में पड़ा रहता हूँ सोफे पर,
इन वैकेंट खाली पड़ा रहता हूँ, वैकेंट इन होता खाली, खाली पड़ा रहता हूँ, और इन पेंसिव मूड, और पेंसिव मूड का अर्थ होता है इन सैड मूड, अगर मैं सोफे पर जब मैं पड़ा रहता हूँ और वो भी एक उदास मन मन से जब पड़ा रहता हूँ, तब मैं सोचता हूँ द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब ये जो दृश्य है वो फ्लैश अपॉन इन्हें प्रकाश डालता है या चमचमाता है, डेट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई इन होता अंदर की आंख, अंदर की आंख, यहाँ से अर्थ है कवि का कि अंदर की आंख से अर्थ है हृदय या मन से, कवि का जो मन है उसमें वो जो दृश्य है वो फ्लैश करता है यानी चमकता है उसकी मेमोरी में, उसके मन में, उसके हृदय में, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो क्या करता है, विच इज़ द ब्लिस यानी जो आनंद से भर देता है ऑफ सॉलिट्यूड, उसके अकेलेपन को, सॉलिट्यूड यानी होता है अकेलेपन को, उसके अकेलेपन को वो आनंद से वो दृश्य भर देता है, जब भी वो सैडनेस में या उदासी में बैठता है तब वो दृश्य उसको आनंद से भर देता है और उसकी उदासी को ख़त्म कर देता है। आई क्लाइन देखेंगे, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब जब वो दृश्य मेरे मन में आता है तब मेरा जो हृदय है विथ प्लेजर फुल, वो किससे फिल्स हो जाता, प्लेजर फिल्स, वो किससे फिल्स हो जाता, किससे भर जाता है, प्लेजर होता आनंद से भर जाता है जो कवि का हृदय। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और डांसेस यानी नृत्य करता है उसका हृदय विथ द डेफोडिल्स, किसके साथ में नृत्य करता है, उन डेफोडिल्स फ्लावर यानी फूलों के साथ में जिसको उसने देखा था। तो इस प्रकार से जो है कवि ने बहुत अच्छी रचना करी है डेफोडिल्स पोएम की, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आई होगी।